الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو ایک حکایت ہے اور بڑی سبق آموز ہے چند نبی نے نکلے اور انہیں پہلی بار کسی ہاتھی سے واسطہ پڑا اور جب انہوں نے نبی نے جو تھے تعارف جو نہ تھا تو جب ہاتھ لگایا تو ایک کا ہاتھ اس کے دم پہ لگا دوسری نے ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ پہ پڑا تیسری نے ہاتھ لگایا تو اس کے کان پہ پڑا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا نبی نے جو تھے جہاں جہاں ہاتھ لگا سمجھ بیٹھے سراپا ہاتھی کا یہی ہے ایک نے کہا پہلے کا ہاتھ سونڈ پہ لگا تو اس نے کہا کہ ایک مڑا ہوا ربڑ کی طرح ہے دوسرے نے کہا ایک پتے کی طرح ہے اور تیسرے نے کہا کوئی ایک سیدھی سی چیز ہے نبی نے جو تھے ہاتھی کے بارے میں صحیح علم خبر کوئی نہیں تھی تو جہاں جہاں ہاتھ لگا تو اسے سراپا ہاتھی سمجھ لیا ایک عرصہ ہوا امت اسلامیہ بھی اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہے جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے اسی کو اسلام سمجھ لی ایک عرصہ ہوا یہ امت اسلامیہ بھی اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہے دین اسلام اگر اس کے چھ بڑے بڑے خانوں میں تقسیم ہو تو عقیدہ ہے عبادات ہیں معاملات ہیں معاشرت ہے سیاست ہے اخلاق ہے یہ دین اسلام کی ایک مکمل تصویر اسلام کا جو قانون ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا ان تمام شعبوں سے گہرا تعلق ہے کہ اس کے بغیر اسلام مکمل کوئی نہیں اور ان میں سے ایک کوئی مکمل اسلام نہیں ان تمام شعبوں سے تعلق رکھتا ہے اسلام لیکن کچھ عرصے سے ایک ذہن بنا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں اسلام کا جو حصہ تعلیمات کا جو حصہ سامنے آیا اس نے سراپا اسلام اسی سمجھ لیا بہت غلط تصور بیٹھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے بنیادی وجہ ہے ایک تو امت اسلامیہ ایک لمبے عرصے سے غیروں کے زیر اثر ہے جس کے نتیجے میں اس کا دین سمٹتے سمٹتے
खानकाहों तक रह गया, मसाजिद तक रह गया, बस दीनी हलकतों तक रह गया, बाजार से, तिजारत से, अदालतों से, कौमी निजाम से उससे खारिज हो चुका है। दूसरी वजह यह बनी कि वो सेकुलर जहनीयत जो बेदीन निजाम तालीम और माहौल से बनती चली जा रही है कि इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ इनफरादी जिंदगी से है, प्राइवेट जिंदगी से है, अगर इसे मामलात में लेके आओगे, माशरत में लेके आओगे, इज्तिमाई निजाम में लेके आओगे तो घड़ी की सुई गोये के पीछे ले जाना है। इन चीजों का इस्लाम सेकुलर जहनीयत है कि इस्लाम इबादत तक है, इस्लाम मस्जिद तक है, इस्लाम हर शख्स की बस इनफरादी जिंदगी से ताल्लुक रखता है, बाकी इज्तिमाई जिंदगी में इस्लाम की बात उसके नतीजे में गोया के अपने आप को पीछे ले जाना है, इसका नतीजा है। और तीसरी वजह खुद अहले दीन का मामला है, खुद अहले दीन का मामला है कि जो वो अहमियत अकीदे और इबादत को देते हैं वो अहमियत का दसवां हिस्सा भी वो मामलात और माशरत को नहीं देते। उनके नजर में मामलात और माशरत और अखलाक की वो अहमियत नहीं जो अहमियत इबादत की है, इसमें कोई शक नहीं। अकीदा और मामला इबादत, इसके बगैर दीन की शक्ल ही नहीं रहती, इस्लाम की शक्ल ही बिगड़ जाती है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों के बताई, उनमें पहली चीज अकीदा है और बाकी चार चीजें इबादत से ताल्लुक रखती हैं। अकीदे और इबादत की अहमियत का इनकार नहीं, लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस्लाम में मामलात और माशरत और अखलाक और सियासत ये भी ऐसा बुनियादी हिस्सा है जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। और ये एक उसूल और जाब्ता है कि अल्लाह अपने हक को तौबा और इस्तिग़फ़ार से माफ फरमा दिया करते हैं, और जहां हुकूकुल इबाद में कोताही हो या तो उस बंदे से माफी मांगनी होगी या उसको उसका बदला देना होगा, उसके बगैर माफी कोई नहीं, उसकी भी अपनी अहमियत है। तो ये वो एक सोच बदली है। हरके मदीना तय्यबा जब इस्लामी हुकूमत का मरकज बना तो दुनिया इंसानियत ने इस्लाम की बरकतें उसी वक्त देखी। जब इस्लामी कवानीन नाफिज हुए और कौमी सतह पे इस्लाम की बहार नजर आई तो हर शख्स को वहां तहफ्फुज मिल गया, इसलिए कि इस्लाम का बैतुल माल एक ऐसी चीज है कि फिर इस्लामी बस्ती में कोई आदमी भिखारी नहीं रहता, मोहताज नहीं रहता, जरूरतमंद नहीं रहता, क्या बेवा, क्या मिस्कीन, क्या यतीम, क्या जरूरतमंद, क्या परेशान हाल, उसकी जरूरत उसकी दहलीज पे पूरी होती है। इस्लामी अदालत सुभान अल्लाह, अदल इंसाफ का वो सरचश्मा होता है जहां हर मजलूम की दाद रसी होती है, और बेदीन अदालतों की तरह वो सारा साल परेशान और ख्वार नहीं रहता अपना हक लेने के लिए। और फिर इस्लामी हुदूद का निफाज, जब एक दो आदमी के चोरी पर हाथ कट जाए तो पूरी फिजा में अमन व अमान आ जाता, पूरे माशरे की इस्लाह होने लगती है, इसलिए कि न जिना रहता है और न जिना की शक्ल में कत्ल व गारत रहती है, न शराब रहता है, शराबी रहता है
और न शराबी के नतीजे में गंदगियां बाकी रहती है, न चकले रहते हैं न कलव रहते हैं, न बेदीनी की फिजा रहती है, पूरे माशरे की इस्लाह तब होती है जब इस्लाम का ये हिस्सा भी जमीन पे नाफिज हो। लेकिन एक नस्ल की बल्कि एक सदी से जायद हो गया कि मुसलमानों के जहनों से इस्लाम का तस्वूर ही बदल दिया गया, तस्वूर ही बदल गया, और इस्लाम महदूद होते होते सिर्फ अकीदत, अकीदा और इबादत तक रह गया। इसलिए अगर किसी से आप कह दें कि मियाँ कुछ अपनी फिक्र करो तो कहते हैं हम नमाज तो पढ़ते हैं। मियाँ वहां हालात कैसे हैं? क्या वहां मस्जिदें बहुत बन रही हैं? वहां मस्जिदें बहुत बन रही हैं, यानी जहां मस्जिदें बहुत बन रही हैं मतलब ये कि इस्लाम वहां जिंदा हो गया। नमाज की इजाजत तो काफिर की जेलों के अंदर भी है, और बड़े बड़े बेदीन लोग भी रिया और नामूद में बड़े बड़ी मस्जिदें बनाते हैं लेकिन अल्लाह के दीन से वो मस्जिदें खाली होती, इस्लाम की रौनक से वो मसाजिद खाली होती हैं। इसलिए कि उन हुक्मरानों को इस्लामी जिंदगी से बुग्ज है, बुग्ज इस्लाम की बहार से खाली है। लेकिन चूंकि इस्लाम का तस्वूर ही बदल गया, एक नस्ल ने देखा कि अब्बा के यहां सिर्फ इस्लाम का हिस्सा ईद की नमाज है, जुमे की नमाज है, और ज्यादा दीनदारी है तो पांच वक्त की नमाज है, बाकी उसकी माशरत और उसके लेन देन और उसका कारोबार नमाजी भी है, और सूदी कर्जे लेने पे फखर भी करता, शर्माता नहीं है, अलल ऐलान कहता है दो फैक्ट्रियां लगाई हैं, इतना सूद लिया है, इतना कर्ज लिया है, और इसके दिलो दिमाग में भी नहीं कि ये इतनी बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है इस्लामी जिंदगी के साथ कि इस मौके पे अल्लाह इस जालिम से कहता है आओ फिर मेरे साथ तुम्हारे लिए ऐलान जंग है, फिर ऐलान जंग है। ये सब चीजें इसलिए काबिल कबूल माशरे में हो गई कि दीन का तसव्वुर बदल गया, दीन समझ लिया, नमाज पढ़ ली, दीन तो इस्लाम तो अल्लाह की वो आखिरी नेमत है सारी इंसानियत के लिए, जिसे अल्लाह ने इस दुनिया को सरफराज फरमाया है, जो मुकम्मल एक कानून जिंदगी है। कोई इंसानी जिंदगी का हिस्सा उससे खाली नहीं, लेकिन तसव्वुर बदल गया। अब आइए आम जिंदगी के अंदर, इबादत भी है, अकीदा भी ठीक है, और खास तौर पे माशरत, इससे इस्लाम निकला। और जब से ये माशरत से दीन निकला है, हर आदमी दूसरे से जहनी नफ्सियाती तकलीफ में मुबतला, हर आदमी दूसरे से जहनी कर्ब में मुबतला। इसलिए कि जहां से माशरत से इस्लाम निकलता है तो हर शख्स दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बनता है, हर शख्स दूसरे के लिए मूजी बनता है। इस्लामी जिंदगी में जो माशरत की अहमियत है वो एक हदीस है जिसके गिर्द पूरी इस्लामी तालीमात, माशरत की तालीमात उसके गिर्द घूमती है, और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान कहलाने के लायक है ही वो जिससे हाथ से और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। हजरत मुहद्दिसीन ने फरमाया कि चूंकि आम तौर पे मुसलमान का वास्ता मुसलमान से होता है इसलिए मुसलमान का तस्करा है, वरना कोई काफिर भी इस्लामी दुनिया में रहे और इस्लामी कानून की पासदारी करे और मुसलमानों के साथ उसे कहें कि उनकी इज्जत आबरू और उनके शायर इस्लाम के तहफ्फुज़ के साथ रहे तो माशरती हुकूक उसे भी वही मिलते हैं जो एक मुसलमान को मिलते हैं। किसी मुसलमान के लिए जैसे एक मुसलमान को तकलीफ देना हराम है,
एक काफिर को भी तकलीफ और ईजा पहुंचाना हराम है। और जबान का तस्करा किया और हाथ का तस्करा किया, आम तौर पे जबान और हाथ से तकलीफ होती है, वरना पेश नजर यह है कि मुसलमान वो होता है जिससे दूसरे मुसलमान को माली, जिस्मानी, जहनी, नफसियाती किसी तरीके से उसे तकलीफ ना हो। सारी जिंदगी इस एहतियात से गुजरी कि यह आशियाना किसी शाखे चमन पे बार ना हो। सारी जिंदगी इस एहतियात से गुजरी कि यह शाखे चमन, यह आशियाना किसी शाखे चमन पे बार ना हो। मुसलमान इस एहतियात के साथ जिंदगी गुजारता है कि किसी को मेरी जात से तकलीफ ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे, जुमे का खुतबा दे रहे। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली सफ की फजीलत बताई हुई है और फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग घुटनों के बल आकर पहली सफ में शरीक हों। लेकिन एक शख्स आ रहा और दूसरों को गर्दनों को फलांगते हुए आ रहा, आपने खुतबा रोका, फरमाया बैठ जाओ, तुमने दूसरों को अजियत पहुंचाई, तुमने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है, खुतबा रोक दिया। आप हजरे अस्वद का बोसा देना, आपने इसकी बड़ी फजीलत बताई है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की ये सारी फजीलत उसी वक्त तक है जब तक के उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और कोई आदमी जिंदगी में बारहा बैतुल्ला गया और जिंदगी भर एक बार भी हजरे अस्वद का बोसा न मिला, तो कल बारगाह खुदावंदी में उससे बाज फुर्स नहीं होगी। लेकिन अगर बोसा देने की खातिर किसी को तकलीफ दे बैठा, कल क्यामत में इसके बारे में बाज फुर्स होगी। पहली सफ में आना फजीलत की चीज है लेकिन मुस्तहब है। लेकिन दूसरों को जहनी जिस्मानी तकलीफ पहुंचाना हराम है। अब हराम से तो बचे नहीं और मुस्तहब हासिल कर ले, लेकिन ये कोताही क्यों होती है? जो अहमियत मेरी नजर में इबादात की है, जो मनदर मेरे नजर में नवाफिल की है, जो मेरी नजर में इबादात जिक्र की है, आज मेरी जिंदगी के अंदर माशरत की इस्लामी जिंदगी की वो अहमियत नहीं है। ये दीन का हिस्सा निकला है और इसका नतीजा ये है कि हर शख्स दूसरे से कोफ्त में मुबतला, उसके साथ कारोबार करे, उसके साथ सफर करे, उसके साथ उठे बैठे, उसके साथ थोड़ी देर सोबत इख्तियार करे, उसके साथ उसका रहना सहना हो, जितना दूर रहेगा आराम से रहेगा और जितना करीब होगा तकलीफ में जाएगा। ये माशरती जिंदगी का इस्लाम हमने समझा, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? हालांकि हराम दूसरों को ईजा पहुंचाना नाजायज, अगर ये माशरे के अंदर है, इस्लाम का ये तसव्वुर जिंदा हो जाए, बताइए हर शख्स दूसरे से कितना राहत और सुकून पाए, किस कदर आराम मिलेगा। लेकिन आज तकलीफ का बायस है, वजह वही है, नबीने हैं नबीने, जैसे वो हाथी को देखने वाले नबीने थे ना, जितना हिस्सा उनके सामने आया उन्होंने कहा सरापा हाथी यही है। इस्लाम के मुतालिक भी तस्वुर सारा खल्त मल्त हो गया, जो जिसने जितना देखा समझा इसी की बड़ी अहमियत है, इस्लाम यही है। हालांकि इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता जिंदगी है, मुकम्मल दीनी ईमानी जिंदगी कानून है, पूरी जिंदगी का अहाता करता है। और सच ये है कि जिस कदर माशरा माशरा बा इस्लाम होगा और इस्लामी जिंदगी के मुताबिक ढलता चला जाएगा, इतना ही माशरा ये राहत और सुकून और जिसे कहें कि मोहब्बतों का मंबा और सरचश्मा बनेगा। सारी खराबियां ये हैं कि कहीं भी खराबी आती है उसकी वजह वहां से इस्लाम निकला।
वहां इस्लाम की तालीमात से महरूमी है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी बड़ी अहमियत बताई कि तुम्हारे मामलात कैसे हैं। अब ये नमाजी है, हाजी है, लेकिन इसे फिक्र नहीं कि मेरे मामलात में कहां नुक्स है, कहां खराबी है। लेकिन मामलात की इतनी अहमियत है कि अगर लुकमा हलाल न रहा तो इबादत भी बेरूह, सारी इबादत बेरूह हो जाएंगी। और मामलात का ताल्लुक, माशरे का ताल्लुक दूसरों से है। अब मेरी माशरत ठीक है या गलत है, मेरे अखलाक ठीक हैं या गलत हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मेयार और पैमाना दिया कि हर आदमी अपनी जिंदगी को देख सकता है। एक शख्स आए, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो इंसाफ की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ये इंसाफ की जिंदगी सबसे कम दर्जे की माशरत है इस्लाम की, सबसे कम दर्जे के अखलाक है, वरना इस्लाम तो इससे आगे की बात करता है। इंसाफ से आगे एहसान, इंसाफ से बढ़कर हमदर्दी, खैरखाई, आखिरी दर्जा इंसाफ का है, फिर जुल्म का दायरा शुरू होता है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इंसाफ की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब लिन्नास मा तुहिब लिनफ्सिक तकुन अअदल अन्नास। बस ये देख लो, जो भी तुम जबान से बोल निकालो, जो रवैया इख्तियार करो, जो दूसरों के साथ बर्ताव करो, जो दूसरों के साथ तुम जबान से बोल निकालो, एक लम्हे के लिए सोच लो, ये अगर कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। ये जो पैमाने अलग अलग रखे हैं ना, अपने लिए कुछ और पैमाना है, दूसरों के लिए कुछ और पैमाना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदल व इंसाफ क्या है? अहिब लिन्नास मा तुहिब लिनफ्सिक तकुन अअदल अन्नास। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जो तुम दूसरों के साथ बर्ताव कर रहे हो, रवैया अख्तियार कर रहे हो, तर्ज अमल है तुम्हारे, गुफ्तगू का अंदाज है तुम्हारे, जो ये माशरत और मामलात हैं, एक लम्हे के लिए देख लो, अगर यही बर्ताव कोई तुम्हारे साथ करे कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी, कितने जहनी कर्ब में मुब्तला होगे तुम, नफ्सियाती तौर पे कितने परेशान हो जाओगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब लिन्नास मा तुहिब लिनफ्सिक तकुन अअदल अन्नास। और मेरे अजीजों, फिर अर्ज कर रहा हूं, माशरती जिंदगी और माशरत का इस्लाम, इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से, इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है और इसका एहतमाम इसलिए जरूरी है कि मखलूक की कोताक में कोताही, जब तक मखलूक माफ ना करे खालिक भी उसे माफ नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम का सही तसव्वुर और सही इल्म नसीब फरमा दे, और कामिल इस्लामी जिंदगी की बरकतें हमें और सारी उम्मत को अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।